हाय गाइस, मेरा नाम मन्ना है। दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि ये नोकिया ये 3 का मोबाइल है। दोस्तों मैं बता दूं कि ये मोबाइल का जो वीडियो आप देख रहे हैं तो ये मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा है कि मेरा ये मोबाइल है और इसका हम FRP अनलॉक कर रहे हैं मेडिकल बॉक्स से और अनलॉक नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मैं बता दूं ये नोकिया ये 3 का जो FRP अगर आप मेडिकल बॉक्स से अनलॉक करना चाहेंगे तो अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं तो मेरे सब्सक्राइबर ने जो हमें टोटल वीडियो भेजा है व्हाट्सएप पर और इन्होंने हमें कमेंट भी किया है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने कमेंट किया है कि हमारे पास नोकिया ए 3 का मोबाइल है और इसका FRP हमें अनलॉक करना है। और ये नागपुर से मलिक साहब बोल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम इसके कंप्यूटर पर ऑनलाइन जो है इसके मोबाइल का जो है नोकिया ए 3 का FRP अनलॉक करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्नानी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है और अभी तक आपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है तो इस घंटे को आप जरूर दबाएं। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नोकिया ए 3 जो MediaTek CPU है 6635, तो इसे आप जिस तरह और सब एनटेक्स लावा कार्बन मैक्रोमैक्स को जिस तरह आप डायरेक्टली जो है आप अनलॉक करते हैं या रीड करते हैं राइट करते हैं तो उस तरीके से अगर आप करेंगे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका तरीका थोड़ा सा यहाँ पे अलग है। तो MediaTek हम चलिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, उसके बाद अनलॉक फिक्स पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर FRP सेटिंग, ठीक है, यहाँ पे हम चेक लगा देंगे। उसके बाद हम डायरेक्टली अगर इसे अनलॉक करेंगे तो ये अनलॉक नहीं हो पाएगा क्योंकि डायरेक्टली अनलॉक नहीं होगा, इसका बूट नंबर हमें और भी जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको एक बार दिखाते हैं कि जो नॉर्मल तरीका है, नॉर्मल तरीके से हम इसका FRP अनलॉक करेंगे। डायरेक्टली हम इसे यहाँ पे अनलॉक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे अनलॉक नहीं होगा और ये ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि इसी तरीके से हमारे सब्सक्राइबर ने कई बार इसे कोशिश किया था और अनलॉक नहीं कर पाया। तब जब लास्ट में उन्होंने हमें कॉल किया और हमें व्हाट्सएप पर वीडियो भेजा और हमें कमेंट किया कि भाई हमारे जो ये नोकिया A3 है इसका FRP आप अनलॉक कर दें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा अगर आप भी डायरेक्टली अगर शॉर्टकट तरीके से FRP अनलॉक करेंगे तो अनलॉक नहीं होगा। आपको अगर अनलॉक करना है तो आप यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर नीचे में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि नोकिया 3 लिखा हुआ है तो नोकिया 3 आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद 6635 जो बूट नंबर है उसे भी आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और जब आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बैकअप रखने के लिए कहा जाएगा। तो बैकअप आपको रखना है तो आप रख सकते हैं, रीड कर सकते हैं फाइल को। यदि अगर आपको बैकअप नहीं रखना है, डायरेक्टली अगर आपको FRP अनलॉक करना है तो आप यहाँ पे जो है यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपको नो कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे नो करेंगे उसके बाद आपको मोबाइल को ऑफ कर देना है। ऑफ करके सिंपली आपको डायरेक्टली जो है आपको मोबाइल को डाटा केबल से कनेक्ट कर देना है। और जैसे आप डाटा केबल से कनेक्ट करेंगे आपका मोबाइल जो है बूट कर जाएगा मेडिकल टूल से और आपका जो यहाँ पे FRP है वो यहाँ से अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।